तो भाई लोगों, जस्टिन ट्रूडो ने ठान लिया है कि उसे भारत के हाथों अभी और जलील होना है। जब से निज्जर, खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर का कनाडा में मर्डर हुआ था, ये तब से उनकी बेवा बनकर छाती कूट रहा है। एक साल पहले भी कनाडा की सरकार ने कहा था कि निज्जर की टिकट काटने के पीछे भारत के डिप्लोमेट्स का हाथ है। तब भी हमने बड़े प्यार से समझाया था कि कुछ भी अंटछंड मत बोलो, सबूत है तो दिखा दो, वरना मुंह में तंबाकू की पुड़िया डालकर अपने मुंह को बंद कर लो। उस वक्त भारत ने कनाडा के एक डिप्लोमेट के पिछवाड़े पर लात मारकर उससे कहा, क्या कहा? निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। मगर साल भर के बाद ये फिर से फटे हुए दूध की तरह उबाल मारने लगे। इस बार तो हद ही हो गई। कनाडा की रॉयल पुलिस ने यहां तक बोल दिया है कि निज्जर के मर्डर के मामले में कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है और उनसे भी पूछताछ हो सकती है। मतलब सीधे सीधे कनाडा की सरकार ने एक बार फिर से इल्जाम लगा दिया है कि निज्जर नाम के प्राणी को भारत के डिप्लोमेट्स ने ही मरवाया है। बस इतना सुनना था कि भारत सरकार ने संदूक में रखी अपनी खानदानी तलवार भी निकाल ली। मोदी जी गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान की तरह गीली चप्पल लेकर ट्रूडो के पीछे दौड़ रहे हैं। भारत सरकार ने कान से पकड़ते हुए कनाडा दूतावास के सभी अधिकारियों को ऑटो में बिठाकर फिर से क्या बोला, भाऊ पहली फुर्सत में निकल। कुल मिलाकर ट्रूडो की एक गलती की वजह से दुनिया के इतने बड़े देशों ने एक दूसरे से कट्टी कर ली है। दोनों देशों के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि अगली बार ट्रूडो की जगह अगर कोई और भी कनाडा का पीएम बनता है तब भी ये रिश्ते इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होंगे। ऐसे में क्वेश्चन ये है कि भारत की इतनी बार समझाने के बाद भी ट्रूडो की सरकार बार बार क्यों ये प्रूव करने में लगी थी कि निज्जर को भारत ने ही मरवाया। वो निज्जर जिसके खिलाफ रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी था, वो निज्जर जो कनाडा में खुलेआम खालिस्तानियों से हथियार उठाने की अपील करता था, वो निज्जर जो खुद झूठे डॉक्यूमेंट्स लगाकर कनाडा में रह रहा था, और सबसे बड़ी बात वो निज्जर जिसे कनाडा की सरकार खुद कनाडा के लिए इतना बड़ा खतरा मानती थी कि उसे नो फ्लायर्स की लिस्ट में भी डाल रखा था, उसके बैंक अकाउंट तक फ्रीज कर रखे थे। मतलब कनाडा की सरकार खुद ये मानती थी कि निज्जर कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कनाडा की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। मगर हैरानी है कि इतना सब होने के बावजूद ट्रूडो की सरकार निज्जर जैसे एक टेररिस्ट के लिए भारत जैसे इतने बड़े देश से रिश्ते तोड़ने पर क्यों उतर आई? आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण पहले तो निज्जर जैसे टेररिस्ट को कनाडा में घुसने की छूट दी गई, उसे वहां पर सिटीजन बनाया गया, और बाद में वहां की सरकार इस हद तक चली गई है कि उसके लिए भारत जैसे इतने बड़े देश से पंगा ले लिया गया है? तो आइए इसी मैटर पर डिटेल में बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। These are wanted criminals from India. You have given them visas. You let they have come many of them in false documentation. The Newton's law of politics will apply there also. तो भाई लोगों, बात ये है कि कनाडा की ट्रूडो सरकार पर लगातार इल्जाम लगते रहे कि वो फॉरेन इन्फ्लुएंस यानी विदेशी दबाव के आगे झुक जाती है। ट्रूडो को लोग कहते हैं कि अरे ब्रो, तेरे में तो रीढ़ ही नहीं है। इसी फॉरेन इन्फ्लुएंस की जांच करने के लिए वहां पर एक पब्लिक इंक्वायरी भी चल रही है। इस इंक्वायरी कमेटी के सामने ट्रूडो को अगले महीने पेश कर अपनी साइड भी रखनी थी। कनाडा में आमतौर पर होता ये है कि ऐसे मामले जब तक अदालत में चल रहे होते हैं तो वहां के नेता उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन ट्रूडो की सरकार ने अपनी इमेज बचाने के लिए जानबूझकर निज्जर के मामले में वहां की पुलिस से ये स्टेटमेंट कि निज्जर मर्डर में भारत के डिप्लोमेट से पूछताछ हो सकती है। ऐसा करके ट्रूडो ये दिखाना चाहते थे कि देखो ब्रो, अपन कितने स्ट्रांग हैं और अपने सिटीजंस को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी से भी पंगा ले सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रूडो ये सब क्यों कर रहे हैं? सिंपल सा जवाब है बाबू भैया, जैसे भारत में एक अरसे तक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती थी, ट्रूडो भी आज कनाडा में वही कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा अपने दम पर सत्ता में नहीं है, उन्हें सरकार बनाने के लिए एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी तक का सपोर्ट लेना पड़ा, और इस न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जगमीत सिंह, और ये जगमीत सिंह भी खालिस्तानियों के सबसे बड़े चीयर लीडर हैं। उनके इन्हीं बयानों की वजह से भारत सरकार ने भारत में उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवा दिया था, उन्हें भारत आने की इजाजत नहीं दी गई। कनाडा में 10 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, इनमें बड़ी तादाद पंजाब से आकर रहने वाले लोगों की है, जिनमें एक अच्छा खासा तबका खालिस्तानियों से हमदर्दी रखता है। ऐसे में ट्रूडो की मजबूरी हो जाती है कि वो इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को कुछ भी करने की छूट देते हैं। यही रीजन है कि ये लोग हर दूसरे दिन भारत विरोधी रैलियां निकालते हैं, रैलियां करके कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी तक देते हैं, पंजाब को भारत से अलग करने को लेकर जनमत संग्रह करवाते रहते हैं। वहां हर दिन ये सब होता रहता है, और ट्रूडो उस भ्रष्ट पुलिस वाले की तरह, जी हां, उस भ्रष्ट पुलिस वाले की तरह चुपचाप ये सब देखते रहते हैं, जैसे हमारे गली मोहल्ले में चोर उचक्के मां बहनों की चेन खींचकर भाग जाते हैं ना, और पैसे खाकर बैठा पुलिस वाला कुछ नहीं करता, सेम काम ट्रूडो कर रहे हैं। इसे आप ऐसा समझिए कि एक वक्त भारत में भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस इलेक्शन में पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट दे देते थे। यूपी के एक बड़े पॉलिटिशियन ने तो एक इलेक्शन रैली में यह तक बोल दिया था कि अगर हम सत्ता में आए तो पाकिस्तान को सस्ती बिजली देंगे। अब आप सोचिए, भारत का एक नेता भारत के दुश्मन मुल्क को लेकर ऐसी बातें क्यों कर रहा था? वजह एकदम क्लियर थी, क्योंकि उस नेता को पता था कि ऐसा बोलने से यूपी में बैठा
उसका एक बड़ा वोट बैंक खुश होगा और उसे वोट मिलेगा, फिर चाहे यूपी की जनता भाड़ में जाए। ठीक यही काम ट्रूडो भी कर रहा है। आज कनाडा की कई सिक्योरिटी एजेंसीज ये बात कबूल कर चुकी हैं कि देश के कई इलाकों में खालिस्तानी एलिमेंट्स हाथ से निकल चुके हैं, मगर फिर भी सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए ट्रूडो अपने देश में मौजूदा बड़े खालिस्तानी सेक्शन को खुश करने के लिए ऐसी बातें लगातार बोल रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में पाकिस्तान की भी एक बड़ी पॉपुलेशन रहती है, इसमें बहुत सारे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट भी रहते हैं। ट्रूडो की इस एंटी इंडिया पॉलिटिक्स से ये लोग भी खुश होते हैं। हम सभी जानते हैं कि कनाडा की टोटल आबादी बहुत कम है, वहां की सीटों पर बहुत कम वोटों से जीत और हार का फर्क तय होता है। अगले साल वहां इलेक्शन भी है, तो अपने इस वोट बैंक को खुश करने के लिए ट्रूडो लगातार इस तरह की पॉलिटिक्स करते रहते हैं, जिससे उनके खालिस्तानी वोट बैंक में ये मैसेज जाए कि वो भारत सरकार के खिलाफ हैं और निज्जर की मौत का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। खुद बताइए, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं है तो और क्या है? अगर एक आम स्टूडेंट भी कनाडा के वर्किंग वीजा के लिए अप्लाई करता है या उस देश में जाकर बसना चाहता है, तो वहां की सरकार क्या देखती है? यही ना कि इस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, इसका स्किल सेट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अब बड़ा सीधा सा सवाल, जिस आतंकी निज्जर के लिए ट्रूडो अपनी चूड़ियां तोड़ रहा है, छाती कूट रहा है, उसकी स्पेशलिटी क्या थी? वो रॉकेट साइंटिस्ट था क्या? उसने मंगल ग्रह पर पानी की खोज की थी? आखिर क्या वजह थी कि झूठे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद उसके केस को फास्ट ट्रैक करके उसे कनाडा का नागरिक बनाया गया? बोलो बोलो, टेल टेल। कनाडा के ग्लोबल न्यूज में छपी खबर के मुताबिक हरदीप सिंह निज्जर रवि शर्मा नाम के फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा आया, फिर उसने झूठी कहानी बुनी कि कैसे उसे भारत में पुलिस टॉर्चर कर रही थी और भारत में उसकी जान को खतरा था, मगर कनाडा के रिफ्यूजी पैनल की जांच में उसकी कहानी फर्जी निकली और उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई। जब उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो उसने कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की एक महिला से शादी कर ली, मगर बाद में पता चला कि वो शादी भी सिर्फ कनाडा की नागरिकता लेने के लिए की गई और जिस महिला से हरदीप ने शादी की थी वो तो खुद अपने पति के साथ कुछ टाइम पहले कनाडा आई थी। अब आप इस बारे में अगर कनाडा के किसी डिप्लोमेट से बात कर रहे हैं तो उसका हमेशा से वही घिसा पीटा जवाब होता है कि भैया दुनिया के किसी भी आदमी को अगर उसके देश में जान का खतरा है तो कनाडा की यही पॉलिसी है कि वो उसे अपने यहां शरण दे देता है। अब यही लॉजिक अगर माने तो 9/11 के हमले के बाद अगर ओसामा बिन लादेन ये बोल देता कि अफगानिस्तान में मेरी जान को खतरा है माई बाप, तो क्या कनाडा की सरकार ओसामा को भी अपने देश का नागरिक बना लेती क्या? बताइए, अगर किसी आदमी को अपने देश में घुसने देने से पहले आपके लिए उसका बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता, फिर तो सद्दाम हुसैन से लेकर अल जवाहिरी तक आज सभी कनाडा के नागरिक होते। सिंपल। इसलिए निज्जर को लेकर जो जान के खतरे वाली बात बोली जाती है ना, वो सरासर बकवास है। इसी साल कनाडा में मोहम्मद शहबाज नाम का एक पाकिस्तानी पकड़ा गया था जो गलत डॉक्यूमेंट के बेस पर कनाडा में घुसा था। ये बंदा कनाडा में रहकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में यहूदी कम्युनिटी पर हमले की प्लानिंग कर रहा था, मगर वहां मामला अमेरिका का था तो भैया फौरन उसे पकड़ लिया गया। लेकिन यही निज्जर और वो सड़ा हुआ करेले का बीज गुरपतवंत सिंह पन्नू दिन रात पंजाब को भारत से अलग करने की बात करते हैं, खालिस्तानियों से हथियार उठाने की अपील करते हैं और कोई उनका कुछ करता ही नहीं। खुद कनाडा के बड़े न्यूज़पेपर ग्लोबल मेल ने यह खबर छापी थी कि निज्जर ने 2021 में खालिस्तानियों से हथियार उठाने की बात की थी। उसने ये तक कहा था कि जो लोग पीसफुल आंदोलन की बात करते हैं हमें उनसे दूर रहना होगा, मगर ये सब इस छिले हुए अंडे को दिखाई और सुनाई नहीं देता। कौन सा अंडा, मैं इसी की बात करूं यार। और तो छोड़ो, ट्रूडो सरकार पर यह भी इल्जाम लगता है कि कनाडा में चाइनीज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, मगर जैसे ही चाइना की बात आती है तो ट्रूडो को स्नेक सूंघ जाता है। तब यही ट्रूडो और इसकी सरकार बोलती है कि नहीं नहीं, हो सकता है कि चाइना का कोई एक आध डिप्लोमेट ऐसे किसी इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हो, मगर इसमें चाइनीज सरकार शामिल नहीं है, ये लोग ठोक के ये बात बोलते हैं। मगर इसके उलट भारत के केस में ये लोग सीधे भारत सरकार पर सवाल उठा देते हैं। वजह एकदम क्लियर है, जहां अमेरिका के इंटरेस्ट आ जाते हैं तो वहां ट्रूडो के बाप की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि उस पर कुछ करे। चाइना भी कनाडा को कई तरीके से मदद देता है, इसलिए ये चंपू उन लोगों के खिलाफ भी नहीं बोलते। लेकिन जहां भारत की बात आती है तो इसे लगता है कि भारत को गाली देने से कनाडा में रह रहे खालिस्तानी और कट्टर इस्लामी खुश होंगे। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने सच में हरदीप सिंह का मर्डर करवाया, और हरदीप ही क्यों, परमजीत सिंह पंजवाड़ और अवतार सिंह खांडा के भी मर्डर हुए, ये भी खालिस्तानी मिलिटेंट थे, इनको भी मारा गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसके पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भले ही कोई शख्स मोस्ट वांटेड हो, कंट्री के लिए खतरा हो, पर क्या किसी का इस तरह कत्ल करवा देना जायज है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी हमें क्या किसी को भी नहीं पता है कि जो आतंकी मारे गए हैं उन्हें किसने मारा है। रही बात जायज या नाजायज की, तो ये बताइए भाई कि दुनिया में कौन सा ऐसा गैरतमंद देश है जो अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक नहीं चला जाएगा।
किसी भी हद तक नहीं चला जाएगा, बताइए। पिछले 7 अक्टूबर को हमास के दरिंदों ने इसराइल में घुसकर 1200 लोगों को मार दिया था। उसके बाद इसराइल ने गाजा का ऐसा बाजा बजाया कि सारी धरती फ्लैट कर दी। कोई बिल्डर चाहे तो आज वहां प्लॉट काट सकता है, इतना फ्लैट हो गया है मामला। हमास को निपटाने के बाद आज वो लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला के पिल्लों को निपटा रहा है। मजाले, दुनिया का एक भी देश उसे ऐसा करने से रोक पाया? यूनाइटेड नेशंस भी बड़बड़ाकर रह जाता है, मगर वो भी इसराइल का कुछ नहीं उखाड़ पाया। उल्टा ईरान ने जब इसराइल पर कुछ दिन पहले मिसाइल से हमला किया था और यूएन के चीफ ने अपने ट्वीट में सीधे तौर पर ईरान को क्रिटिसाइज नहीं किया था, तो इसराइल ने गुस्से में आकर यूएन चीफ को ही अपने देश में घुसने से बैन कर दिया। उसने सरेआम ये बोल दिया कि ये बंदा कभी हमारे देश में नहीं घुस पाएगा। इसी तरह 9/11 के बाद जब अमेरिका लादेन को मारना चाह रहा था, तो क्या अमेरिका यूएन के पास गया था? क्या उसने लादेन पर दिल्ली की कड़कड़डूमा के कोर्ट में कोई मुकदमा चलाया था? नहीं ना, सीधे पाकिस्तान में घुसकर उसे पेल दिया था। दोस्तों, वायलेंस ना जानवरों के खिलाफ जस्टिफाइड नहीं होती, लेकिन कोई पागल कुत्ता अगर आपको काट रहा हो तो आप क्या उसे डंडे से मारेंगे या उसका सर सहलाएंगे? मतलब भाई, जब अपनी जान पर आएगी तो पहले आप अपनी जान बचाओगे ना। जब किसी सरकार को दिख रहा है कि फला फला देश में बैठे लोग उसके देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, वो सरकार उन देशों को उनकी शिकायत भी कर रही है, वो देश उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं रहे और वो लोग अब भी वहां बैठे हुए हैं, उसके देश के सिटीजन के मर्डर करवा रहे हैं, ऐसे में वो सरकार क्या करेगी? अपने घर पर बैठकर हरि भजन गाए और ऊपर वाले से प्रार्थना करे कि ऐसे आतंकियों को सद्बुद्धि देना, या उन लोगों से बचाने के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा कवच पहनाए? अब कुछ तो करेगी ना सरकार। हेलो, आज अमेरिका और इसराइल क्यों ये प्लान कर रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया जाए? इसीलिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान के पास एटॉमिक कैपेबिलिटीज आए। क्यों? इन देशों को पता है कि ईरान के पास परमाणु ताकत आई तो वो इसराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। अब या तो इसराइल हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे और ईरान और हिजबुल्ला के अगले हमले का इंतजार करे, या फिर एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह प्रोएक्टिव होकर दुश्मनों के कुछ करने से पहले ही उन्हें क्या कर दे, राहुल जी, खत्म। लेकिन इस सब के बावजूद हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इन आतंकियों को किसने मरवाया, समझ रहे हो ना? ठीक है, बहुत समझदार हो यार, ज्यादा मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इतना जरूर साफ है दोस्तों कि भारतीय डिप्लोमेट्स पर इल्जाम लगाकर और खालिस्तानियों को शह देकर ट्रूडो ने भारत से पंगा तो ले लिया है। और जैसे कि हमने कहा, चाहे गलवान घाटी हो या उरी की सर्जिकल स्ट्राइक, हम उधार किसी का रखते ही नहीं है। मालदीव के मोइज़ू भी राष्ट्रपति बनने के बाद बड़े उछल रहे थे, मोदी जी ने लक्षद्वीप जाकर एक सेल्फी किया, पोस्ट की, लोगों ने मालदीव जाना छोड़ दिया और इनकी इकोनॉमी की श्रीलंका लग गई। आज यही मोइज़ू नागरा गढ़कर फिर से इंडिया आए और बोले कि मैंने तो कभी इंडिया आउट का स्लोगन दिया ही नहीं था माई बाप। इसलिए ट्रूडो, इनको भी रुक जाना चाहिए। और मोइज़ू की तरफ से ट्रूडो को एक मैसेज है, क्या मैसेज है बताना जरा? हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। तो इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक जरूर पहुंचाना, स्पेशली अगर आपका दोस्त या उस दोस्त का दोस्त या उस दोस्त के दोस्त का कोई दोस्त कनाडा में रहता है तो ये वीडियो तो पहुंचनी ही चाहिए। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ यहीं पर। जय हिंद, वंदे मातरम।